तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सैम्स ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड अपने पेरेंट्स का ज़रूर ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम। ज़्यादा दोस्त लोग नहीं हैं, मैं और सरोज ऑलरेडी स्मार्ट लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए मिलते हैं रास्ते में, देखता हूँ कितना दूर है, उसके बाद मिलते हैं म्यूज़ियम में डायरेक्ट। थैंक यू, गो। सो लेट्स गो सरोज। ये कुछ 10 किलोमीटर का रास्ता है, 26 मिनट का। चलिए मिलते हैं म्यूजियम में डायरेक्ट। थैंक यू, स्टे ट्यून। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये एंट्रेंस है म्यूजियम का, यू कैन सी देयर आल्सो टिकट काउंटर। यहाँ से टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेके हम लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। तो एक ऐसा सीन है। $20 का 2 tickets। सो ये बाहर का कुछ इस तरह का व्यू है। ये जो रास्ता है ये एंट्रेंस की ओर जाता है। अभी यहाँ से चलेंगे आगे। जैसे यहाँ से आगे बढ़ोगे, ये देखो यहाँ लॉर्ड गणेशा भी है यहाँ पे। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री है। कुछ इस तरह बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह का एंट्री है। सो चलते हैं अब अंदर, देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। यहाँ से एंट्री है, आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी यहाँ पे टिकट चेक करते हुए से हाय। सो यहाँ से एंटर, जैसे ही यहाँ से एंटर करते हैं, ये गरुड़ जी की मूर्ति व्यू ले लीजिए। जैसे ही आप हम लोग एंटर किए थे, उसके बाद का ये फर्स्ट सेक्शन का ओवरव्यू है। प्लीज हैव अ लुक। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये सारे हिंदू देवी देवता हैं। सो हमें एक क्यूरियोसिटी हुआ अंदर से कि नहीं, हमें डीप में जानना चाहिए, तो हमने एक गाइड किया है। ये हमारे गाइड हैं, इज मिस्टर सावली, एंड ये हम लोगों को बताएंगे यहाँ के बारे में, म्यूजियम के बारे में। यहाँ के स्टैचूज हैं, सारी मूर्तियाँ जो हैं कहाँ कहाँ से लेके आया गया है, क्या क्या है, सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन करेंगे हमारे साथ। शुरू हुआ था 1917 ईस्वी में, एंड 1920 में एक पूरा कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे जितने भी मूर्तियाँ हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ हमारे भी यहाँ पे सामान रखा हुआ है, एक्चुअली पूरे कंबोडिया से 17,000 मूर्तियाँ यहाँ पे रखी गई हैं। मतलब ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मूर्ति रखने वाला जगह है। ओके, ये स्टैचू जो है, ये विष्णु भगवान की सवारी गरुड़ है, वो है ये, आप देख सकते हैं अच्छे से।
जैसा कि हमें गाइड ने बताया एंड आप भी देख सकते हैं, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई है। मुख्य रूप से फोकस किया गया है ब्रह्मा विष्णु महेश एंड इनकी सारी धर्म पत्नियाँ। ये सारे स्टैचूज जो हैं उन्हीं से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। Vishnu with the forearm to hold in symbol four elements, the fire, wind, water and earth, the December. So ye Vishnu Bhagwan hai, yahan pe aap dekh sakte hain. The forearm and sometimes page piche Garuda. Garuda. The eight arm to hold in symbol for God. Many heaven god Indra got to make a rain. Oh, Indra! Indra got to ride on elephants, and middle god to carry symbol for Brahma and Shiva, and then four elements. And god of hell Yama, Yama god of the death, to ride on buffalo. Yeah, called Angkor Wat to be an offering for Hindu god. Yes, Hindu god. 11वीं शताब्दी में इसको अंकुर वट टेम्पल से लाया गया था। ये नंदी है हमारे पूरे कंबोडिया जो है, मैंने हिंदू कल्चर फॉलो करता था, बाद में ये कन्वर्टेड है। सो हमारे लॉर्ड्स यहाँ पे मेजर महायाना बुद्धिस्ट, महायाना बुद्धिज्म टू बिलीव बुद्धा लाइक दिस स्टैचू एंड बुद्धिसत्वा Bodhisattva male and female, forearm, eight arm, 16 arm, many form, different function. And now they like Chinese country and Tibet, Mongoli. And Bhutan's country, Korean country, Japanese country and Vietnam, Mahayana Buddhism. Theravada Buddhism in Cambodian country, 90% Theravada Buddhist. 90% Buddhist, yeah. Right? Theravada Buddhism. Theravada Buddhism, only Buddha to believe. Buddha only meant Buddha. We interview from Nepal country. Oh, Nepal country, yes. Like Sri Lanka, Myanmar country, Thai country, Laos country. Buddhism or Lord Sikha are different types of. In Cambodian country, the Buddha different god. A different god. Yeah, right? Buddha is the philosopher. Buddha is the philosopher. Okay. Different god to believe in Buddha. Yeah. Bodhisattva. On the heart, small Buddha. Small Buddha on the heart. Okay. And to holding different god Vishnu. Mm. The right side on the top, the necklace. Mm. And lotus flower. And the left side on the top, holy book. And ball, yeah, different Vishnu gods. Angkor Thom, the temple to build offering for God of Hindu. Yeah, sorry. Angkor Thom to build offering for Mahayana Buddhism by the king during to change from Hindu to Buddhist. When it changed Hindu to Buddhist? From the early 11th century. 11th century, yeah. To 12th century by the king during Jayavarman number 7. He changed from Hindu to Buddhist, but he controlled mainly the religion. Okay. To take care of Hindu also, but important, Mahayana Buddhism. Hindi में ये हिंदुज्म से इन लोगों ने कन्वर्ट किया था बुद्धिज्म बुद्धिज्म में। सो फर्स्ट पहले ये लोग हिंदू धर्म अपनाते थे, हिंदू धर्म के लोग थे, बाद में इन्होंने 11वीं शताब्दी में चेंज करके बुद्धिज्म को अपनाया। थर्ड सेंचुरी टू नाइन्थ सेंचुरी। द नेम ऑफ द कंट्री फूनान। फूनान, ओके, फूनान, दिस कंबोडियन कंट्री नेम ऑफ फूनान, राइट? या फूनान And Khmer people, yeah, Khmer people, and Funan Khmer people from Mon. You know Mon? Okay, Mon. Mon, the three countries, they call group Mon, all the culture from Indian. Mm-hmm. Khmer from Mon, Indonesia from Indonesia, Mon, okay. Myanmar from Mon. Myanmar, yeah. But Indonesia, important.
Muslim, mm-hmm. and then Hindu or Buddhist more. Yeah. The first of all, the capital, Angkor Bore. Angkor Bore is the capital on that time, right? It's the 6th century by the Funan country. Started from Phnom Penh City, 100 kilometers. And from Angkor Bore to Angkor Wat. अब यहाँ से हम लोग दूसरे सेक्शन के की ओर आ चुके हैं और यहाँ पे एक विष्णु भगवान की प्रतिमा है विश्राम अवस्था में जो कि 11वीं शताब्दी में बनाया गया था वेस्टर्न अंकुर वाट टेम्पल में, ये वहीं से लाया गया है। ये आप तीन सिंबल देख रहे होंगे, ये ब्रह्मा विष्णु एंड महेश का प्रतीक है, लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटर, लॉर्ड विष्णु सर्वाइवर एंड लॉर्ड शिवा डिस्ट्रॉयर। हैव अ लुक। Here is the view. यहाँ आप देख सकते हैं ये भोलेनाथ की मूर्ति भी है यहाँ पे एंड ये हमारे गणेश बाबा, गणेश भगवान भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सो आगे बढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि ये पूरा सेक्शन जो है वो भगवान विष्णु के 10 अवतार को दर्शाया गया है। कृष्णा, कृष्णा, या, गो, सुपर गो मदर नमः पराशी रामा Actually, this is showing all the 10 births of God Vishnu. Yes. All the God Vishnu. God Vishnu. Yeah. In 19th century, made by the Cambodian people. Yeah. Yeah. The style of my house. To make the mustache, because it's there. Not to stain body, it's a strong body. Sham, chakra, stick and board. Symbol. Fire, water, green and ये विष्णु भगवान की मूर्ति ये कंबोडियंस के द्वारा बनाया गया है 9th century में। सो आप देख सकते हैं शंकर भगवान की मूर्ति एक्चुअली एक कंबोडियन के द्वारा बनाया गया था। आप देख सकते हैं इनके जटा के ऊपर चांद भी है और ये
कि 9 शताब्दी के स्टार्टिंग में ही बनाया गया था ये. इट्स ऑल लोटस फ्लावर. ये हनुमान जी की मूर्ति है और ये राम भगवान भी हैं यहाँ पे. रामा एंड हियर बाली एंड सुग्रीव स्टैचू फ्रॉम काके टेंपल द सेम लाइक इन ट्रेंड बिग गारुडा स्टैचू फ्रॉम द अदर टेंपल. ओके कंबोडियन कंट्री हैज अ टू स्टोरी लाइक इंडियन कंबोडियन कंट्री यू नो द स्टोरी लाइक इंडियन Mahabharata story and the Ramayana story. And the Ramayana story. In the Cambodia, ये लोग जानते हैं हमारे रामायण का स्टोरी एंड महाभारत का स्टोरी ये लोग अच्छे से जानते हैं. So do you read Bhagavad Gita? महाभागवत गीता. भागवत गीता. महाभारत. महाभारत. Okay, okay. And Ramayana story. महाभारत स्टोरी यू गाइस नो उस देन यू नो अबाउट द भगवत गीता यू डोंट नो राइट. ओके ओके ये दिखाया गया है कि पहले यहाँ पे हिंदू कल्चर था उसके बाद उनका कल्चर शुरू हुआ. अगेन ये सिबलिंग है एक्चुअली. सो अगेन इन लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया एंड अभी कंटिन्यू जो अभी चलता आ रहा है वो बुद्धिज्म चलता आ रहा है. देख सकते हैं बाली एंड सुग्रीव का फाइट जो हुआ था उसी का मूर्ति बनाया हुआ है ये. ये जो हमारा सेक्शन है ये पूरा का पूरा रामायण का स्टोरीज को डिस्प्ले किया है. लॉर्ड हनुमान बाली सुग्रीव लॉर्ड राम ऑलरेडी. ये जो सेक्शन है हमारा ये महाभारत को रिप्रेजेंट किया है. इसमें सारे चीज महाभारत के उसमें मिलेंगे. Many statues to make offering for Buddha and Bodhisattva. Mm. Yeah. What about this? This is for to sitting. It's for sitting. ये वही राजा के स्टैचू है जिसने हिंदू से बुद्धिस्ट में कन्वर्ट करवाया था. इनका नाम है जया बर्मन. You are beautiful face. Oh, just beautiful. Smiling face, very happy. But okay. Okay. Yeah. It's all have single from 53 province, right? Yeah. Ananda. Ananda. Ananda Naga. Yes. Yes. For. एक पिलर है जिसमें कि स्टोरी लिखा गया है संस्कृत में. आप देख सकते हैं हमारे भगवान का सारा स्टोरी इस पिलर में लिखा गया है संस्कृत भाषा में. ये सारा चीज़ जो है ये 15 से 20 सेंचुरीज के बीच में जो भी हुआ था उसका है. ये इसमें सारा शो किया गया है कंबोडियन का ट्रेडिशनल डांस जो है उसका सारा जो श्रृंगार जिसको बोलते हैं आभूषण अप्सरा डांस परियों वाली डांस ये सारा चीज यस आप देख सकते हैं. रॉयल फैमिली. रॉयल फैमिली पहले के ज़माने में इस बोट पे
सैर करने जाते थे। काइंड ऑफ बॉट है ये, 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। And palanquin. Yeah. Okay. You sit on the chair and the long stick eight person to carry. Yeah. राजा का पलंग है और ये रानी का पलंग है और ये राजा का। जब भी कुछ फंक्शंस होता था तो ये लोग यहाँ पे बैठ के चार आदमी इनको लेके जाते थे, इनको भी ये सारा। And then the royal urn, the urn to keep. वो चीज़ है जिसमें कि राजा अगर मर जाते थे तो उनका बॉडी को इसमें रखा जाता था जलाने के पहले काफ़ी टाइम के लिए। ये हाथी के ऊपर रख के इसमें सवारी करता था, वो चीज़ है। ये कपड़ा बनाने वाला मशीन है जो बहुत सालों पहले इसको यूज़ किया जाता था। एंड 19वीं शताब्दी में कपड़ा बनाने के लिए ये वाला मशीन्स इस टाइप का कुछ यूज किया जाता था, आप देख सकते हैं। दिस ऑल द डायरेक्टर्स, ये सारे डायरेक्टर्स हैं जो इस म्यूजियम को कंट्रोल करते आ रहे हैं 100 सालों से, 100 ईयर्स। ये सारा बुद्धा का स्टैचूज है यहाँ पे, कलेक्शंस है, जब कब कन्वर्टेड हुआ था हिंदू एंड बुद्धिस्ट, अगेन हिंदू अगेन बुद्धिस्ट, ये सारा उसी का कलेक्शन है। सो इस म्यूज़ियम का ये लास्ट सेक्शन था। ये आप देख पा रहे हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है जिसको बजा के इंद्र भगवान की पूजा की जाती थी और बारिश करवाया जाता था। सो दैट्स ऑल। सो फाइनली म्यूज़ियम का ट्रिप भी ओवर होता है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे कहाँ, आपको पता है, भूख तो लगता ही है आफ्टर ट्रिप। सो खाना खाने जाएंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।